नमस्कार, मैं हूँ सुमन और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में जिसका नाम है डॉक्टर दसंस रियल हेल्थ। स्वस्थ मस्तिष्क ही हमारी असली शक्ति होती है। अगर वो कमजोर हो जाए तो ब्रेन का फंक्शन बिगड़ने लग जाए तो ये खतरनाक बातें होती हैं, क्योंकि इसकी वजह से शरीर का नियंत्रण बिगड़ सकता है, जिससे बेहोशी और मिर्गी भी हो सकती है, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेद में। ब्रेन संबंधित सभी समस्याओं के लिए पिछले 56 वर्षों से अधिक विश्वास का प्रतीक है एक टीम, एक नाम जिसके मार्गदर्शक है डॉक्टर दसंस, आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट MD जीवन दसन। पिछले 56 सालों से उपचार के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है डॉक्टर दसंस। 1959 में डॉक्टर CL दसन ने आयुर्वेदिक परंपरा की जो शुरुआत की थी, अब उनके पुत्र डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन के MD जीवन दसन अपनी एक्सपर्ट टीम और डॉक्टर्स के साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर दसंस जड़ी बूटियों को उनके मूल क्षेत्र से इकट्ठा करके स्वच्छता से उनका एक्सट्रैक्ट निकालकर उनके शास्त्रोक्त उपयुक्त एक्टिव पार्ट द्वारा असरकारक दवाओं से असंख्य रिकॉर्ड रोगियों को ठीक कर चुके हैं, जिनका डेटा डॉक्टर दसंस पर विश्वास का प्रतीक है। डॉक्टर दसंस को चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च सम्मानों से नवाजा गया है। डॉक्टर दसंस का सर्वोच्च उद्देश्य है रोगियों की सहायता, असरकारक दवाओं का उत्पादन और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रचार, ताकि आपको मिले रियल हेल्थ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि एपिलेप्सी क्या होती है और क्या कारण है कि ये लंबे समय तक इसकी दवाई चलती रहती है फिर भी ये ठीक नहीं होती। देखिए, एपिलेप्सी एक दिमाग की विकृति है, हमारे मस्तिष्क की विकृति है। हमारा ब्रेन एक पावर हाउस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारा इसमें, जैसे कि हम सोचते हैं, विचारते हैं, इन सब चीज़ों को हमारे ब्रेन्स के जो हार्मोन्स है, जो हमारे ब्रेन की जो एक ट्रांसमिशन, पूरा एक सिस्टम है, वो कंट्रोल करता है। तो कई बार ये जो ब्रेन की इस विकृति के कारण, ब्रेन के इस डिसऑर्डर्स के कारण ये होता है ब्रेन की वीकनेस से ही। तो इसके कारण ये जो सारा पूरे का पूरा ट्रांसमिशन है, इसमें जब कोई विकृति आती है तो ये सब चीज़ें जब क्लैश होती हैं तो एपिलेप्सी का एक दौरा पड़ता है, जिसको हम फिट्स भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है या उसको एकदम से गुमसुम हो जाता है, उसके मुंह से झाग जो है निकलने लग जाती है और पता नहीं चलता कि वो क्या करे, या उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी पता नहीं चलता है वो क्या करें। ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश मेडिसिन जो वो लेते हैं, उससे क्या होता है कि वो एक सेडिटेशन मिलती है, तो उस सेडिटेशन की वजह से वो दौरा नहीं पड़ता है उसको। तो उसमें बहुत सारी आज की उसमें मॉडर्न मेडिसिन में वो कुछ बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसके वो केमिकल को इम्बेलेंस जो होता है वो उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत लंबे समय से उनका ये चलता रहता है और वो ठीक नहीं हो पाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। और कुछ पेशेंट्स के तो जो फिट्स हैं वो रुकते भी नहीं हैं। हमारा एक जो मेडिसिन है वो ब्रेन ऑन कैप्सूल्स हैं। ब्रेन ऑन जो प्रोडक्ट है, जो उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान ने, जो नेचर ने हमें ब्रेन को ताकत देने के लिए प्रोवाइड की है जी। उसमें ब्रह्मी, शंख पुष्पी, जटामानसी, वचा और मंडूक परणी, ये सब चीज़ें हैं। उसमें ज्योतिषमती ऑयल और बहुत सारे शास्त्रों जो मेडिसिन हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं जी। वो है जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, और ब्रेन जब स्टिमुलेट होता है उसको ताकत मिलती है, तो उसको ताकत मिलने से ब्रेन में जो विकृति आती है, जो उसकी ट्रांसमिशन पावर है वो सुधरती है, उसमें सुधार होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो, जैसे मैंने बताया कि एक वात रोग था ये, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे जो, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे डॉक्टर्स या हमारी टीम जब उसको पेशेंट का पूरा हिस्ट्री, क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट अमूमन जो हो पहले मॉडर्न ट्रीटमेंट ले रहा होता है वो, तो पेशेंट वो आते हैं ज़्यादातर जिनको वो सुधार नहीं आता है, जब वो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं अब उनको एकदम से तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेडिसिंस ऐसे एक आदत लग जाती है शरीर को उन दवाइयों की, या तो पेशेंट पहले से ही हमारे पास आ जाए
तो हम फिर उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर हम अपने तरीके से उसको पेशेंट्स को ये मेडिसिंस देते हैं, कुछ और शास्त्रोक्त योग देते हैं, तो उससे क्या है, पेशेंट को उन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब पेशेंट का बीमारी के ऊपर जो जब ये दवाई जब बेस पे काम करती है ये मेडिसिन, तो पेशेंट को जो है वो असर होना शुरू हो जाता है। हम 2 महीने के लिए पेशेंट का उपचार करते हैं, 2 महीने का जो उसमें लेते हैं, और 2 महीने के अंदर अंदर हम कहते हैं कि आप देखिए आपके दौरे जो आपके फिट्स पड़ रहे हैं वो कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद कुछ जो पेशेंट जो इंग्लिश मेडिसिन मैंने बताया कि ले रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि अपनी जो वो दवाई है उसको आप धीरे धीरे कम कर सकते, क्योंकि वो दवाइयाँ क्या होता है कि जब बहुत सारी लंबे समय तक पेशेंट जो ले चुके होते हैं उनमें हम देखते हैं कि उन दवाइयों से कई बार उनका दिमाग और कमज़ोर हो जाता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि स्टार्टिंग में ही आयुर्वेद उसके साथ लगा दिया जाए। पेशेंट जब 3-3, 4-4 साल बाद आते हैं तो फिर थोड़ा उसको बहुत लंबे समय तक साथ में चलाना पड़ता है, लेकिन अगर पहले आ जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक एलोपैथिक दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको, तो साथ में हम ये दवाइयाँ दे देते हैं, उनको आदत नहीं पड़ पाती है एलोपैथी। हाँ, फिर वो तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इमरजेंसी के तौर पे वो दवाइयाँ लेनी भी पड़ती हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं खुले दिमाग से, हमारे एक्सपर्ट्स देखते हैं, तो जो वो ले रहे होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है पेशेंट को पूरी तरह से वो गाइड किया जाता है उसमें। आज हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी और ब्रेन से जुड़ी हुई बाकी सभी समस्याओं के बारे में। तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है या आपका कोई अपना किसी समस्या से जूझ रहा है और समाधान चाहता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेन ऑन, ये जो मेडिसिन आप बनाते हैं आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट से, ये किन किन चीज़ों में, जैसे आपने कहा कि ये ब्रेन को स्टिमुलेट करने में काम आता है, तो ये कौन सी चीज़ों में और भी हेल्पफुल है ताकि कोई प्रॉब्लम आए ना ब्रेन रिलेटेड? देखिए, ये मतलब किसी एज ग्रुप का भी पेशेंट इसको ले सकता है, डोज अलग अलग रहता है, उसके ऊपर लिखा है, लिटरेचर है अंदर, लिटरेचर में बहुत आसानी से लिखा रहता है। तो उसमें कोई भी उसको ले सकता है, उसको बुजुर्ग ले सकते हैं, हमारे ओल्ड मेमोरी के लिए ले सकते हैं, किसी की मेमोरी कम है, बच्चे जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, वो क्योंकि वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, तो उसमें ऐसी चीज़ें निर्दोष चीज़ें पड़ी हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो ले सकता है। बच्चे ले सकते हैं अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए, बुजुर्ग ले सकते हैं कि मैं उनको भूल जाता है, रखी चीज़ें भूल जाती हैं, वो ले सकते हैं, वो ब्रेन को अपने ब्रेन को बहुत पावरफुल बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन को जो है एक्टिव कर सकते हैं, अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। तो ब्रेन एक्टिव तो पूरी बॉडी एक्टिव, तो वो ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ पार्किंसंस एक बीमारी है जिसमें ब्रेन का एक डिसऑर्डर है, पार्किंसन के जो पेशेंट हैं जिनका बॉडी नियंत्रण में नहीं रहता है वो इसको ले सकते हैं, जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको वो ले सकते हैं, जो बिहेवियर जो डिसऑर्डर्स हैं उनके पेशेंट्स हैं वो ले सकते हैं, जिनको नींद कम आती है वो ले सकते हैं अपनी नींद को, निद्रा को ठीक करने के लिए, मतलब ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ये लिया जा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड कई सारी समस्याओं के बारे में। अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है या कोई प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हैं या आपका कोई अपना जूझ रहा है और आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सर, जो पेशेंट आप तक नहीं पहुँच पाते या आपसे बहुत दूर है, वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं और किस तरह से सही ट्रीटमेंट पा सकते हैं डॉक्टर दसन में? देखिए, डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशंस, इसका मोटिव है पेशेंट को मेडिसिन पहुंचाना। मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ही सभी पेशेंट्स आए या वो आके ही उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। हमारे पास एक पूरी टीम है, पेशेंट्स को पूरा पूछा जाता है कि उसका पेशेंट का पूरा डाटा पूछा जाता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले क्या थी, अब क्या है, क्या क्या सिम्टम्स हैं। वो हमारी जो एक कस्टमर केयर का एक पूरा एक डिपार्टमेंट है, वो पूरे वो क्वेश्चंस लेता है। उसके बाद जो फॉर्म फिल होता है वो हमारे डॉक्टर उसको पढ़ते हैं, और अगर उनको भी कोई डाउट होता है तो वो फिर पेशेंट से फ़ोन पे बात करते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, कुछ भी कोई डाउट है, कुछ रह गया है, तो उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद उसका एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें फुली मेडिसिन क्या देना है क्या नहीं देना है, किसी और कंपनी की भी आप ले सकते हैं, उसमें वो लिख सकते हैं उसमें कि ये इस मेडिसिन के साथ अकॉर्डिंग टू डिजीज़ और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। फिर उसके बाद आप घर में क्या क्या कर सकते हैं, घर में क्या ले सकते हैं, और
मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा मोटिव ये है कि हमारी मेडिसिन हमारा ब्रेन ऑन, ये दवाइयाँ जैसे ब्रेन ऑन में हम, मैं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद कहता है कि ये ग्राम फलाना, ये दवाई इतना ग्राम इतना, ये मान लीजिए 66 ग्राम का एक पूरे दिन का डोज है, तो उसको एक्सट्रैक्ट रूप में तैयार करके कैप्सूल फॉर्म में हम तैयार करते हैं कि वो कम ऐसे लगे कि वो कम डोज है, कम डोज है, क्योंकि 66 ग्राम पाउडर लेना वो मुश्किल है पेशेंट के लिए, बच्चे के लिए मुश्किल है, बड़े के लिए मुश्किल है, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट रूप में तैयार करते हैं, उसका पूरा एक्टिव पार्ट बना करके उसको वो हम कैप्सूल बनाते हैं। तो घर में पेशेंट काढ़ा बना सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो हमारा मोटिव है कि वो दवाई एक जो ज़्यादा पुरानी ना हो, वो वहाँ पे जो हर्ब्स पड़ी है उसमें प्रॉपर असर हो। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे जब टेस्ट होती हैं, फिर उसको दवाई के तौर पे बनती हैं, फिर उसका डोज एक्सट्रैक्ट रूप में बनता है, तो पेशेंट इजीली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो उसको ले सकता है, ताकि अगर घर में नहीं बन रहा है, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, तो उसको ले सकता है। तो उसको लेने में उसको हम भेजते हैं पूरा एक हेल्थ पैक बनाकर, हम उसको कोरियर करवा सकते हैं, तो उसको मतलब पूरा गाइड कर दिया जाता है। तो उस तरीके से मेडिसिन वो कहीं भी बैठा है, जैसे विदेशों में बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको भेजते हैं जी। और हमारा मोटिव है सबको ये दवाई उपलब्ध करवाना, चाहे वो चिकित्सक है, चाहे वो पेशेंट है, या बाहर का है, इंडिया का है, हमारे यहाँ जो पास में रहते हैं वो है। तो मेन है कि मेडिसिन को वहाँ तक पहुँचाना, तो वो आज की डेट में कोई मुश्किल कार्य नहीं है जी। बिल्कुल, यानी कि अगर जो पर्सनली आपसे नहीं भी मिल पाते, उन्हें भी सही राहत मिल सकती है। सर, मैंने सुना है कि डॉक्टर दसंस में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को निशुल्क सेवा दी जाती है, निशुल्क मेडिसिन दिए जाते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसे है, हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे लोग जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, इनकी मेडिसिन बहुत लंबे समय तक चलती है, तो कुछ पेशेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या हालांकि बहुत इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों के लिए हेल्प करते हैं। हमारा एक चैरिटेबल विंग है, जिसमें पेशेंट की जो आर्थिक स्थिति है, जो पेशेंट कहते हैं हम नहीं, हमें कुछ डिस्काउंट चाहिए, या हम नहीं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो वो विंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ जैसे BPL कार्ड है, MLAs हैं जो स्थानीय हैं, जो हमारे सरपंच हैं या कोई काउंसलर हैं, तो उनका कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, उनका कोई लेटर वगैरह या कुछ, हमारा वो गाइड कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम फिर मदद करते हैं, एक वो एक हमारा एक पूरा एक विंग है, तो ऐसे लोगों के लिए हम हेल्प के लिए वो तैयार रहते हैं। और हम, हमारा मेन मोटिव है पेशेंट्स को ठीक करना। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छा सा संदेश दे, जिससे वो स्वस्थ रह सके और अपने ब्रेन को शक्तिशाली रख सके। मेरा संदेश हर बार यही होता है कि वर्कआउट, एक्सरसाइज, व्यायाम, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, हमें सांस चढ़ता है, हम नाक से सांस लेते हैं तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है। हमें टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, और हमें हेल्दी फूड ये लेना चाहिए, और दूध हमें प्रॉपर, दूध आजकल बच्चे दूध बहुत कम पीते हैं, तो दूध अवॉइड करते हैं, दूध में सब कुछ है जो चाहिए, दूध ले सकते हैं। तो ये सारा अपने खान पान, एक्सरसाइज, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि ऐसा जो करते हैं उनको कोई ये प्रॉब्लम आती नहीं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको है पैरालिसिस, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, या किसी भी समस्या की जानकारी और निदान के लिए आप डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में संपर्क कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स की टीम की एडवाइस के साथ साथ वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हैं क्लिनिकली ट्रायल्ड एंड टेस्टेड, हर समस्या के लिए सटीक और कारगर। डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन में कॉन्टेक्ट करने के लिए हमारा पता है डॉक्टर दसंस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, SCF 7, BSF कॉलोनी मार्केट, नियर HMV कॉलेज, अपोजिट पेट्रोल पंप, नियर वर्कशॉप चौक, जालंधर, पंजाब। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 07355793557। आप अपने रिपोर्ट्स भी हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही पैरालिसिस पेशेंट्स अपनी समस्या की वीडियोस भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है doctor.dassans@gmail.com, और
inquiry@drdassans.com। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.drdassans.com। अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है, लेकिन डॉक्टर दसंस रियल हेल्थ के नए एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.